हेलो रिवन वेलकम टू अभिमन्यू आयस सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो 2023 के एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम में हमारे पास आए थे क्लियर तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और तकरीबन तकरीबन बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस थे और अगर मैं बात करूँ ना जब भी आप दो के पेपर की बात करो ना वो बीस इक्कीस बाईस इन तीन साल के पेपरों से काफ़ी कुछ उसका लेना देना था जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो चलिए

डिवाइडेड बाय हंड्रेड सो अगर हंड्रेड को मैं लिखूं, ऐसे लिखूंगा पांच पच्चीस ऑप्शन नंबर है देट वॉज वेरी 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 इजी क्वेश्चन तो रिमाइंडर मेरा तो, कुछ भी नहीं बचेगा बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं कि जिसको मैं कर तो कर देखो वट इज यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सटेंशन फाइव सेवन टू फोर टू रेस्ट पावर इंटू 7 इंटू 6 इंटू थ्री देखो सबसे पहले यू मस्ट नो द दाइक्सिटी जब भी आप यूनिट डिजिट की बात करेंगे सिर्फ मुझे इस लास्ट वाले नंबर की वैल्यू चाहिए दैट इज तो 8 टूरिस्ट पावर टूरिस्ट पावर थर्टी टू यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो साइकिल की बात करो यानी बेसिकली ये एक्सप्रेशन मुझे क्या दे रहा है पांच कितना हो गया मेरे पास देखो तिरसठ गुना कितना पंद्रह ये कितना हो गया नाइन फोर्टी फाइव क्लियर तो अगर आप बेसिकली देखेंगे नाइन फोर्टी फोर पे जाएगा

ट वॉज वेरी 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 इजी क्वेश्चन देखते हैं कैसे देखिए क्या इफ ए बी सी एंड डी एफ आर बोथ थ्री डिजिट नंबर ए बी सी डी ई एफ आर नॉन जीरो नॉन जीरो का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर इनमें जीरो नहीं है वन से लेकर नाइन तक कुछ ना कुछ इनकी वैल्यूज हैं क्लियर सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू वन 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 देन वट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी प्लस ई प्लस एफ देखो ध्यान से देखो मतलब ए बी सी में जब मैंने आप ऐड किया डी एफ है ना ए बी सी में क्या ऐड किया मैंने सॉरी डी एफ देखो अगर मुझे एंड में यूनिट डिजिट वन चाहिए सपोज करो मुझे क्या दिया सी प्लस एफ वन चाहिए तो कितना हो सकता है ये देखो अगर मैं सी प्लस एफ की बात करूं क्या इक्कीस हो सकता है क्योंकि यूनिट डिजिट वन चाहिए

ऐड करोगे तो कितना आएगा? Right <coughs> दिल में क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना से बड़ा नहीं हो सकता देख लीजिए बट ऑप्शन को भी तो देखिए चलेंगे तो जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी थ्री डिजिट नंबर ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ डिजिट इज रेशो ऑफ नंबर एंड समिजिट इज लिस्ट व डिफरेंसवीन एट दंड्रेड प्लेस एंड क्या कह रहा मतलब, है मुझे उसके बाद ही पता चलेगी वैल्यू देखो अगर बेसिकली मैं थ्री डिजिट नंबर की बात करू निकलेगा हंड्रेड एक्सो टेन वाई प्लस निकलेगा इतना निकलेगा अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस नंबर को ना प्लस टेन वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड से क्या करो डिवाइड करो और ये लिस्ट होना चाहिए देखो स्टूडेंट कभी भी कोई वैल्यू लिस्ट कब होगी जब सपोज करो मेरे पास ए अपॉन बी है जितना बी बड़ा जितना ये बड़ा उतना ये छोटा लीस्ट की कंडीशन क्या है अगर आप दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए जब इसका मतलब मेरा एक्स प्लस वाई जेड मतलब, की कोई ऐसी वैल्यूज जो मुझे मिनिमम दे। देखो अगर एक्स की आप देखो नॉन जीरो नंबर है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा वन तो डेफिनेटली एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास

अगर मैं वाई को पुट करता हूँ नाइनिम और जेड को भी पुट करता हूँ नाइन जब तो बात बनेगी मेरे पास क्योंकि ये मुझे मैक्सिमम चाहिए अगर एक नंबर मेरा मिनिमम हो गया तो दो नंबर मैक्सिमम डेफिनेटली मेरे होने चाहिए क्योंकि अगर इनको भी मैं कम कम पुट कर रहा ऊपर शायद ज्यादा असर ना पड़े बट नीचे असर पड़ेगा मेरे पास ठीक है तो ये कितना हो गया मेरे पास हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड प्लस नाइन्टी प्लस नाइन कितना हो गया 12. तो प्लीज ध्यान रखो और नाइन प्लस वन इज एड तो ध्यान रखो जब भी आपको ऐसा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन आए और खासकर ये लीस्ट वैल्यू बोले आपको मैक्सिमम वैल्यू बोले मैक्सिमम बोलते तो ऊपर वाले को मैक्सिमम पुट कर देते नीचे वाले को की कोशिश करते क्लियर तो एक काफी, काफी, काफी हेल्दी था ये इसमें सोचना पड़ेगा हमें थोड़ा सा क्लियर दोबारा बताता हूं एक्स की वैल्यू मैंने वन की पुट की क्योंकि ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है आप बोलो अंश जो बोलेंगे इसको ये मेरे पास कम होना चाहिए क्योंकि अगर मैंने की जितनी बड़ी वैल्यू पुट करता जाऊंगा वो उतना बड़ा नंबर होता जाएगा और नीचे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर देखो अगर एक्स की वैल्यू एक बढ़ाऊंगा ना एक से दो करूंगा सौ पे इफेक्ट पड़ गया बट यहाँ पे एक से दो एक काफी एफे, इफेक्ट पड़ रहा है क्लियर तो दीज आर सम वैल्यूएबल पॉइंट्स जो आपको याद रखने क्वेश्चन करते हुए और आप कहोगे सर यहाँ पे वाई और जेड की भी मैं पुट कर सकता था बट कर तो देते बट नीचे आपके पास वो भी छोटी वैल्यूज आती जाएंगी फिर क्लियर चलिए नेक्स्ट इज थ्री ऑफ द फाइव पॉजिटिव डिजस पी क्यू आर एस थी आर इवन एंड टू ऑफ दर ऑड अच्छा इन पांच में से थ्री इवन है तीन मेरे पास इवन है अच्छा ये दिया हुआ है और दो मेरे पास ऑड है अच्छा ये दिया बट मुझे ये नहीं बोला पी ए क्यू आर एस टी कौन सा मेरे पास इट मीन स्टूडेंट्स मुझे देखना है कि मुझे कितने क्या मिल सकता है कि और डेफिनेटली वन की इवन ही रहेगा पहले वाले क्या करे है? कि कर रहा है p q r minus s minus t इस इवन मतलब मैं कह रहा हूं डेफिनेटली ये ट्रू है कि मैं p q r s t इनको इवन और जैसे मर्जी पुट करूं ये इवन ही रहेगा तो चलो करके देखते हैं बट इस कंडीशन को भी ध्यान रखेगा तीन इवन और दो ऑड हैं क्लियर अब देखो सपोज करो पहली कंडीशन क्या है p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी ठीक है चलिए पहली कंडीशन की तरफ चलते हैं अब कंडीशन नंबर वन क्या कह रही है मेरे पास देखो वो कह रही तीन इवन मैंने बोला है तीनों के तीनों तो है पहली कंडीशन क्या कह रही है <laughs> ये भी ईवन ये भी ईवन ये भी ईवन अगर ये तीन इवन तो दो क्या है मेरे पास ऑड माइनस ऑड माइनस ऑड क्लियर तो क्या ये इवन होगा यस ऑड में से ऑड माइनस करोगे तो वो क्या देगा आपको ग्यारह में से पांच माइनस करो छह तो ये इवन 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 तो ये मेरे पास क्या हो गया इवन क्लियर ठीक है जी तो ये पहली कंडीशन क्या होगी फुलफिल अच्छा सेकंड वाली के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे अगर मैं इनको आउटपुट करूं देखो सेकंड में इसको मैंने बोला ऑड प्लस ऑड फिर क्या हुआ इवन माइनस इवन प्लस इवन माइनस इवन माइनस इवन क्लियर ऑड प्लस ऑड डेफिनेटली मुझे इवन देगा तो ये भी इवन हो गया बाकी सारे भी इवन ये कंडीशन में क्या देगी मुझे इवन देगी कि अगर पहली दो ऑड पुट करके मैं लास्ट वाली दो को मैं इवन पुट कर दूं क्लियर अब एक कंडीशन और बचती है, है थर्ड कंडीशन क्या है अगर इसको मैं इवन ले लू प्लस इसको इवन ले लू प्लस ऑड माइनस ऑड माइनस इवन क्या कहोगे इस कंडीशन के बारे में प्लीज सोचिए और बताइए Even, even, odd, odd. देखो odd, minus, odd. Odd, odd में से odd, plus, बड़े odd में से छोटा कर दो ठीक है तो ये भी क्या देगा आपको even ही देगा कोई भी लेके क्या even, तो पहली क्या होगी डेफिनेटली इसको छोड़ के कोई भी कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं हो सकती क्लियर वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे देखना है बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस की गलती करना और जो कंडीशन मुझे क्वेश्चन में दी हुई है उस कंडीशन को मुझे फुलफिल करवाना दैट्स इट जल्दी से नोट कीजिए नेक्स्ट पे चलेंगे चलिए क्लियर अब देखो क्योंकि मुझे मिटाना है इसको सो स्टार्ट ऑफ़ द नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट वाली क्या कह रही है मुझे देखो ये बहुत आसान है नेक्स्ट वाली क्या कह रहा है टू पी प्लस प्लस टू आर माइनस टू एस प्लस टी इज डेफिनेटली ऑर्ड देखो ऑर्ड इवन नंबर कौन से होते हैं इवन कौन से होंगे जो दो के मल्टीपल में होंगे तो डेफिनेटली ये तो इवन है ही है आप पी को ऑड भी पुट करो जब भी इवन हो जाएगा वो ये भी इवन और ये भी इवन है तो क्यों प्लस टी इसके इन दोनों भी डिपेंड करेगा ऑड एक्टन है क्लियर सपोज करो ईवन है

प्लस पी माइनस कैन बी इवन और नेक्स्ट क्या बोल रहे मेरे को टू पी प्लस सी कैन बी ऑर्ड पी प्लस सी कैन बी ऑर्ड अब पी और सी क्या है देखो मेरे पास <laughs> देखो पी है प्राइम नंबर कौन से होते हैं सबसे छोटा दो फिर तीन पांच सात ठीक है और ऐसे करते अगर चले जा रहे हैं नंबर कौन से होते हैं फैक्टर बन सकते हैं चार हो गया छे हो गया नो हो गया ऐसा करके इसी से काम चल जाना अपना देखो पी प्लस वो कह रहे हैं मेरा काम खत्म हो गया वहीं पे करके देखो जरा देखो पी कोई भी नंबर उठाओ <laughs> देखो अगर मैं इसमें लेता हूं दो और चार मैंने लिया पहले दो लिया और कॉम्पोजिट का मैंने चार लिया ठीक है ठीक है इसमें प्लस माइनस की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है होगा तो फिर बड़ा नंबर भी लेके देख लेंगे हम ठीक है और इसमें क्या लू मैं इसमें दो माइनस चार तो दो आ गया नेगेटिव पॉजिटिव बात छोड़ो बेसिकली क्या सॉरी तीन छह बटा दो कितना आएगा मेरे पास तीन बट ये तो मेरे को ऑर्ड दे रहा है ठीक है बट क्या कोई ऐसी वैल्यूज है कि इवन मेरे पास प्रूव हो सके सोच के देखिए क्या कोई ऐसी वैल्यूज है जिसमें इसको मैं इवन प्रूफ कर सकूं सोच के देखो क्या इवन प्रूफ कर सकते इसे मैं सोचिए हो सकती वैल्यू अच्छा पॉजिटिव मतलब मुझे पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो इवन की बात करनी है मुझे कि आ, ऐसा नंबर तो दो से डिविजिबल हो सीधी सी बात है ठीक है चलो तो दो चार से तो बना बनाने के दो छ लेके देखें दो प्लस दो माइनस छ कितना हो गया मेरे पास आठ बटे चार आ गया दो

यस पीसी कैन बी ऑड पीसी कैन बी ऑड यस क्यों नहीं हो सकता यहां से तीन ले लो यहां से नौ ले लो सत्ताइस आ गया तो ये भी ऑड हो गया मतलब मल्टीप्लाई करना तो क्या हो गया डी आ गया वन टू थ्री ऑल क्लियर इजी था कोई ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं थे चलिए चलिए स्टूडेंट्स क्लियर हो गया तो डी बिल्कुल सही था नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं।

तो मुझे क्या दिया ए बी सी मल्टीप्लाई विद डी अच्छा ए बी सी को मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब ए बी सी को अगर मैं डी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे आंसर क्या आना चाहिए 370 सेवनटी डी मतलब यहाँ पे डी आना चाहिए कोई दो ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने पे डी आए और मुझे निकालना क्या है मुझे निकालना क्या ए प्लस बी प्लस की वैल्यूज वी हैव टू फाइंड आउट देखो चार और छह हो सकती है वैल्यू सोचे देखो क्या ये वैल्यूज चार और हो सकती हैं कि अगर मैं D को चार ले लू इसको ले लू छे ठीक है तो छोटा चौबीस अच्छा दो चला गया यहां पे फिर मुझे यहां पे चार चाहिए अगर मैं बी को तीन पुट करूं थोड़ा सा प्रिकॉशन से सोच के चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है मैंने अगर डी को चार पुट किया सी को मैंने किया छह चौका चौबीस आ गया चार यानी दो तो अगर मैं चार को तीन से गुना करूं चार किया बारह तो चौदह चार एक अब मुझे क्या करना है मुझे ऐसी वैल्यू थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स चाहिए क्योंकि एक मेरे पास पड़ा हुआ है तो एक वैल्यू क्या तो ए आ गया मेरे पास नाइन बी आ गया थ्री एंड सी आ तो एक इतना दस, गया सिक्स तो कितना हो गया बारह छह अट्ठारह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्लियर तो देख के चलना था आपको आपको नंबर ही पूछ सकता था तो ठीक है थ्री सेवन फोर फोर वॉज अवर नंबर क्लियर चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड सिक्स डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ट्रिपल जीरो प्लस ऑफ एक्स वाई जेड बिकॉज जब आप इसको ऐड करोगे तो यही तो आ जाएगा आपके पास ठीक है यहां से एक्सवाई जेड कॉमन ले लो जरा जब आप कॉमन ले कितना बचा थाउजेंड प्लस वन तो कितना है 1001 of x, y, z. इसके factors क्या हैं? सात गुना ग्यारह गुना तेरा तेरस इक्यानवे ऑप्शन नंबर चलिए ये अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको so, दो तरीके से बताऊंगा आपको जैसा आपका दिल करे वैसा कर लेना पॉजिटिव इंटीजर सच दैट सेवन एक्स प्लस नाइनटी सिक्स डिविजिबल बाई एक्स हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल देखो सेवन एक्स प्लस एक्स प्लस ठीक है, है, है अब देखो आपके पास बेसिकली नंबर क्या ये ऐसा नंबर है? है ऐसा नंबर yes. तो इससे तो मुझे कुछ नहीं लेना देना मुझे किससे लेना देना है? 96. 90, 96 सिक्स यानी 96 सिक्स के जितने फैक्टर्स होंगे ना जितने मल्टीपल होंगे उतना होगा 96, 96 किस, किस किस से कटता है एक से कटता है दो से कटता है तीन से कटता है चार से कटता है आठ से कटता है अच्छा जी बारह से कटता है फिर कटता है, सोलह से कटता है फिर ये कटता है बत्तीस से कटता है क्लियर है फिर किससे कटता है फिर ये किससे कटता है एक दो किराया तो नहीं बीच में सोलह तो के बाद चौबीस से भी कटता है ये, ये सोलह के बाद कटता है? है, तो सारे सारे है एक दो तीन चार अच्छा सॉरी छ मैंने बोला था बट लिखा नहीं छह एक दो तीन चार छ आठ बारह सोलह चौबीस अड़तालीस और छियानवे ये मेरे पास कितने नंबर गए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस एक नंबर कौन सा आएगा मेरे पास अच्छा थर्टी टू फिर मिटा दिया मैंने थर्टी टू ट्वेल्व हो गए ठीक है अब या तो ऐसे कर लो क्योंकि अगर कोई बड़ा नंबर आएगा फिर कैसे करोगे आप सुनो देखो नाइनटी सिक्स फैक्टर बनाओ नाइनटी सिक्स फैक्टर क्या मेरे पास चार गुना चौबीस यानी चार गुना चार गुना यानी दो की पावर दो गुना दो की पावर दो गुना दो गुना तीन यानी इसको कैसे लिखोगे दो की पावर पांच गुना तीन की पावर एक ठीक है अब आपको पता टोटल नंबर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं जो पावर देखिए कर प्लस वन इंटू प्लस वन, तो गुना दो तो कितना हो गया बारह मेरे पास क्या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्लियर तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर केस के में आप ऐसा कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्लियर टोटल फैक्टर के में भी ये कर सकते हैं अदरवाइज मल्टीपल करके देख लो एक दो तो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो यहाँ से भी ऑप्शन तो आर, आर, सिंगल डिजिट पॉजिटिव पॉजिट देखो मुझे एक से लेकर नौ तक की वैल्यूज लेनी है तो सबसे बड़ी वैल्यूज पे आएंगी मैं सबसे बड़े चार नंबर को ले लू छ सात आठ एक नौ और इनमें मेरे पास बड़े नंबर कब आएंगे मैक्सिम वैल्यूज आ जाएंगी करके देख लेना मेरे पास देखो मैं छह सात तेरह और आठ ऐसे भी ले सकता हूं मैं आठ छे सात नो को भी ले सकता हूं बट वैल्यू सबसे मैक्सिमम चाहिए तो कहा आएंगे क्या करोगे देखो नो प्लस छे इंटो आठ प्लस सात बाकी किसी भी वैल्यू को आप लेके चलोगे ना सब इसे छोटे वैल्यूजी आंसर इज हाउ मच पंद्रह ना पंद्रह कितना हो गया दो सौ पच्चीस क्लियर तो जब ये वैल्यूज थी ना जब ये वैल्यूज आ गई थी ना तो आपको एक बात तो समझ आनी चाहिए थी कि छह सात आठ नौ जैसे मर्जी ले लो मैं कैंड में जीरो बन सकता है मेरे पास क्योंकि उसके लिए मुझे पांच चाहिए पांच तो यहाँ पे है ही नहीं तो जिन्होंने दो सौ आंसर लगाया होगा वो गलत हो गया होगा क्लियर क्योंकि उसके लिए मुझे एंड में कहीं पे एक पांच और एक दो का या इवन का चाहिए होगा तो पांच सौ यहाँ पे था ही नहीं वैसे हो सकता था पंद्रह बन रहा था बट यहाँ नहीं बनेगा एक ही केस में बन सकता है आपके पास क्लियर चलिए तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टू ट्वेंटी फाइव क्लियर बड़ा मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना पेपर में तो एक नई चीज सीखने को मिलती है क्लियर देखो अब आपके पास है क्या देखो सबसे पहले क्या देखो उसने कहा नो को नाइन नाइन बार लिखने मैं नौ लिखोगे फिर नाइनटी नाइन फिर नाइन 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 फिर चार बार नौ फिर पांच बार नौ फिर छह बार नौ ऐसे करके आप चलता रहेगा क्लियर है।, है देखो नो बटे जब आप तेरा करोगे ना तो यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास प्लस 9. जब आप नाइनटी नाइन बाय थर्टीन करोगे ना कितना आएगा नाइनटी वन नाइन्टी वन के बाद कितना है आपके पास प्लस आठ बचा ठीक है फिर कितना आ गया नाइन 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 डिवाइडेड बाय थर्टीन देखो इसको कैसे लिखोगे नौ सौ दस प्लस एटी नाइन डिवाइडेड बाय थर्टीन नाइन 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 हो गया ये कट गया तेरह छी के अठहत्तर अठहत्तर में कितना जोड़ोगे ग्यारह तो यहां से रिमाइंडर कितना आ गया प्लस इलेवन फिर कितना है मेरे पास लास्ट नाइन 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 डिवाइडेड बाय थर्टीन देखो ये कितना आएगा मेरे पास अगर मैं लिखूं नाइनटी वन हंड्रेड प्लस एट नाइनटी नाइन डिवाइडेड में नाइन करके देख लो बिल्कुल आ जाएगा देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया कितना बचा 899 13, अब देखो कितना बचा। ने प्लस कितना बचा उन्नीस डिवाइडेड बाई और सॉरी एक सौ तो नौ ना की एक तो एक तो नौ सौ उन्नीस एक सौ नौ क्योंकि इसमें जब मैं सात तो सौ अस्सी में एक सौ तो नौ जोड़ूंगा नाइन एक सौ उन्नीस ही आएगा यार एक सौ उन्नीस ही आएगा स्टूडेंट्स क्योंकि मेरे पास सात सौ अस्सी है तो एक सौ उन्नीस बटे तेरह ठीक है सात सौ आठ सौ अब देखो ये कितना बचा? ये, तो अब ये कितना छिक सत्तर इक्यानवे गुना नौ कितना एक सौ सत्रह तो ये कितना बचा रिमाइंडर बचा मेरे पास प्लस टू क्लियर अब देखो जब आप पांच बार नौ लिखोगे ना तो रिमाइंडर आपके पास आएगा प्लस नाइन इसका मतलब मेरे पास नौ आठ ग्यारह दो नौ आठ ग्यारह दो ये मेरे पास साइक्लिस गई इस केस के लिए ये मेरे पास क्या बन गई पास साइक्लिस पर्टिकुलर केस के लिए अब इस केस के लिए आपने क्या करना अब देखो वो कह रहे हैं कितनी बार लिखना है उसको नाइनटी नाइन टाइम्स मतलब चार चार के जब आप पेड़ बनाओगे तो एंड में कितना बचने वाला आपके पास होते देखो एंड में कितना बचने वाला आपके पास एंड में बचेगा आपके पास तीन मतलब चार चार की फेरे बनाओ हर चार आठ बारह सोलह ऐसे कर करके जब आप जाओगे बार लिखोगे ना नाइनटी सिक्स तक की डिविजिबिलिटी तो क्या होगी आपके पास जो आपके पास ये बच रहे हैं रिमाइंडर वो सेम आएंगे इसका मतलब ये नाइनटी सेवन के लिए नाइनटी एट के लिए नाइनटी नाइन के लिए कितना आएगा इलेवन ऑप्शन नंबर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसमें कैलकुलेशन थी अच्छी खासी क्लियर थोड़ा सा दिमाग भी लगना था चलिए अब तो आपको आता है क्वेश्चन इजिली आप कर पाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास डिजिट ऑफ द रिजल्ट देखो यह क्वेश्चन है कैलकुलेशन बेस था बताता हूं कैसे देखो वो कह रहे हैं uh, मतलब, अगर मैं एक गुना एक करूं एक आएगा अच्छा ग्यारह गुना ग्यारह करू कितना आएगा समझ लीजिएगा ये काम आएगा कैलकुलेशन ट्रिक भी क्वेश्चन के लिए भी आसान है वन 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 इंटू वन 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 ये कितना आएगा वन टू थ्री टू वन मतलब जब तीन बार आ रहा है तो वन टू थ्री तक जाके उल्टा लिख दो इसी तरह एक दो तीन चार गुना एक दो तीन चार ये कितना आएगा वन टू थ्री फोर थ्री टू वन इसी तरीके से जब मैं नौ बार लिखूंगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ गुना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये कितना आएगा मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब इसको उल्टा लिख लो एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन बस इतना सा काम करना था अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करना था आपने ये आ गया था और इसका मुझे क्या निकालना था सम। देखो सब सम निकालते हैं भाई देखो ये कितना है भाई नौ एक दस आठ दो दस सात तीन दस छः चार दस यानी यहाँ से कितना आ गया पैंतालीस आ गया अच्छा ये आते कितना आ गया आठ और तो दस सात तीन दस छह चार दस तीस प्लस पांच और एक छो तो कितना आ गया पैंतालीस प्लस छत्तीस नंबर सी इज द राइट आंसर क्लियर तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर था इसका तो कैलकुलेशन ट्रिक थोड़ी सी अगर आती थी ना तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे आराम से चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपीयर इन द इंटीजर फ्रॉम टेन टू कितना हंड्रेड देखो थोड़ा सा माइंड खोल के रखिए पेन कॉपी साइड रखो सब समझो देखो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ये कितना है मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छ ठीक है? वो कह रहा है ऐसे कर करके ना सौ तक जाओ और बताओ मुझे सम कितना आ रहा है वो कह रहा है सम कितना आ रहा है चलो आपको एक थोड़ा सा बता देता हूं मैं कैसे करना अच्छे तरीके से देखो दो एक तीन तीन छः चार दस पाँच पंद्रह इक्कीस सात और अट्ठाईस और अट्ठाईस प्लस सत्रह कितना हो गया आपके पास पैंतालीस पैंतालीस पचपन आ गए ठीक है या आप ऐसे भी कर सकते थे

आप ये भी कर सकते थे या तो ऐड कर लेते हैं। ऐसे कर लेते बट मेरे हिसाब से सम ऑफ पीपल लगा के करोगे तो थोड़ा नॉलेज ही बढ़ेगी और काम भी चलेगा देखो अब अगर आप नेक्स्ट वाली टर्म पे जाओगे यानी कौन से वाली पे बीस वाली पे फिर आप जाओगे तीस वाली पे फिर आप जाओगे चालीस वाली पे मतलब चालीस से उनचास फिर पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे ठीक है मतलब नब्बे से नाइनटी अब अगर आप देखोगे यहां पे क्या हो रहा है टू 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 ऐसा ही जाएगा सिर्फ मतलब ये लास्ट वाले नंबर तो सेम है ये वाले नंबर बढ़ते जाएंगे कितना कितना एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस बढ़ेंगे मतलब अगर ये पचपन था तो ये कितना होगा पैंसठ ये कितना होगा सेवेंटी फाइव ये कितना होगा एट्टी फाइव ये कितना होगा नाइन्टी फाइव ये कितना होगा एक सौ पाँच ये कितना होगा एक सौ पंद्रह ये कितना होगा एक सौ पच्चीस और यह कितना होगा एक सौ पैंतीस समझ आई बात स्टूडेंट्स क्यों एक एक बढ़ रहा है जब आप यहां पे दो दो करते जाओगे तो डेफिनेटली हर नंबर में एक बढ़ जाएगा दो प्लस जीरो दो, दो प्लस एक तीन तो हर में एक बढ़ेगा तो पूरे सीरीज में कितना पैंसठ हो गया देखो तेरह बारह पच्चीस पच्चीस और ग्यारह कितना हो गया छत्तीस छत्तीस दो दस छियालीस छियालीस और नौ पचपन पचपन और आठ सिक्सटी थ्री सत्तर छिहत्तर और आठ सौ दस आ गए आठ सौ दस आ गए पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस चालीस पैंतालीस देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं उसने हंड्रेड तक बोला यानी हंड्रेड को भी ऐड करो वन प्लस जीरो प्लस जीरो में तो एक और ऐड करेंगे आंसर इज कई तो बच्चों को तो ऐसे तो गलत हो गया आंसर

तो कैसे आएगा देखो सबसे पहले बात मुझे वो नंबर्स कैसे पता चलेंगे अगर मैं बात करूं रिमाइंडर ये नंबर है जहां से वो नंबर्स मेरे पास निकलने वाले हैं ठीक है देखो अगर मैं इसको ग्यारह कॉमन लेता हूं कितना एक सौ पांच बड़ा आसान है सो ग्यारह गुना कितना पैंतीस ये कितना आएगा अगर पांच लेता हूं पांच गुना तीन गुना सात पंद्रह एक एक सौ सौ गुना ग्यारह आपका ग्यारह सौ पचपन तो कैलकुलेशन अगर थोड़ी अच्छी लेवल की रहेगी तो बढ़िया भी लगेगा ठीक है स्टूडेंट आप देखो जरा ये कितना है मेरे पास तीन गुना पांच गुना सात गुना ग्यारह मेरे पास ये नंबर क्लियर अब मुझे वो नंबर फाइंड आउट करने है जो मेरे पास इस क्या नाम है आ, सीरीज में आएंगे जो इनको पर्टेकुलरी, इसको डिवाइड कर देंगे पहले मतलब तो कितना आएगा? तीन गुना पांच पहले तीन क्या आएगा? तीन गुना सात फिर क्या आएगा मेरे पास तीन गुना हो ग्यारह तीन गुना पांच तीन गुना सात तीन गुना ग्यारह पर्टिकुलरली इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपने क्या करना है आपने हमेशा सिंगल सिंगल डिजिट्स मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है इतना से काम चल जाएगा मेरा क्लियर अब देखो मेरे पास ये वो नंबर है जो डबल जो सिंगल डिजिट से सिंगल हो रहा है अब दो, -दो नंबर भी तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं हो सकते नहीं हो सकते, हो सकते, हो सकते, हो सकते, हो सकते देखो ध्यान से देखो मैं कैसे करने देखो पहले तीन पांच और सात को उठाओ देखो पहले तीन को उठाओ जब तीन मेरा प्राइमरी बेस है यानी तीन गुना पांच गुना सात एक नंबर ही हो गया नेक्स्ट क्या होगा तीन गुना पांच तीन गुना पांच गुना, गुना सात तीन गुना पांच गुना, गुना ग्यारह हो सकता है नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास तीन गुना सात गुना ग्यारह हो सकता है नंबर बिल्कुल हो सकता है देखो तीन गुना पांच गुना सात पहले मैंने ये तीन नंबर लिए फिर मैंने ये तीन नंबर लिए फिर मैंने ये तीन अभी एक और बचा हुआ अब आप बताओ कौन सा होगा एक नंबर अभी भी इसमें फुलफिल वैल्यू नहीं कर पा रहा मेरी वो कौन सा होगा क्या वो ये होगा एक तो रहेगा ना पांच गुना सात गुना ग्यारह क्या नंबर आया पहले नहीं ये नंबर नहीं आया तो चार नंबर ये हो गए और एक लास्ट का नंबर कौन सा बचेगा मेरे पास जो सबके साथ हो तीन उना 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 तो दीज आर माई इलेवन वैल्यूज सॉरी इलेवन होगी कितनी होगी पांच चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह वैल्यूज होगी क्लियर एक बार जल्दी से नोट कीजिए फिर मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है बच्चों को बेसिकली प्रॉब्लम आती है ये चार वैल्यूज लिखने में दोबारा बताता हूँ देखो जहां तक मुझे पता चला कि सर हम यहां तो कर ली थी यहां पे वैल्यूज में दिक्कत आती है देखो मेरे पास है तीन गुना पांच गुना सात गुना ग्यारह दोबारा बता रहा हूं ध्यान से देख लो दिक्कत नहीं होनी चाहिए देखो पहले क्या है पहले वैल्यू क्या है तीन पांच को लो इसके साथ सात को ले सकते हैं फिर क्या ले सकते हैं तीन गुना पांच गुना ग्यारह लिया जा सकते हैं तीसरे में क्या हो सकता है तीन गुना सात गुना ग्यारह तीन वाले सारे वैल्यूज जो गया तीन को हटा दो पांच गुना सात गुना ग्यारह अब देखो अगर मेरे पास रिमाइंडर थर्टी है तो डेफिनेटली कोई ऐसा नंबर होगा थर्टी से बड़ा होगा ये क्या नंबर है देखो पंद्रह इक्कीस तो इनको हटा दो कितनी वैल्यूज बची ऑप्शन नंबर डी नाइन क्लियर तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बहुत चर्चित क्वेश्चन भी था क्लियर चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मुझे कंडीशन दिया ध्यान रखिएगा इस कंडीशन को देखना मुझे पी लेस एन क्यू लेस आर टी टी जीरो वेयर टी टी जीरोज ए थ्री डिजिट नंबर एंडिंग जीरो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओके मतलब पी पी क्यू क्यू आर आर मेरे पास थ्री डिजिट का नंबर है क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए <coughs> मतलब क्या देखो पी देखो जैसे अभी मेरे पास ए बी स, ए, ए बी सी डी डी एफ वाला क्वेश्चन था कुछ मेरे पास मैंने ऐड करके देखा था थर्टी वन आंसर था इसका ये भी वैसे ही लग रहा है मुझे पी, पी प्लस क्यू प्लस आर, आर.

तो सत्ताईस तक ही जाएगा क्योंकि अगर मुझे लिमिटेशन दे दी तो या तो दस हो सकता है या मेरे पास क्या हो सकता है बस इतनी सी बात अगर समझ आई थी तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया था आपके लिए क्लियर अब देखो क्या रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑफ द नंबर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू इज सिक्स चलो देखते हैं देखो मेरे को क्या करना है p लेस देन क्यू लेस पहले मैं सम देख रहा हूं दस क्लियर अच्छा अगर मैं इसको मेरे को पहले सम कितना चाहिए दस तो पी की कौन कौन सी वैल्यूज में पुट कर सकता हूं मुझे ये देखना पड़ेगा लेट अस थिंक को अगर मैंने, मैंने दो पुट किया तीन हो गया यहां कितना चाहिए सात अभी भी इनमें डिफरेंस है मैं पी को अगर दोबारा वन पुट करता हूं इसको तीन पुट करता हूँ छह बराबर नहीं आना चाहिए बड़ा छोटा चलेगा मतलब इस रेंज में चाहिए मुझे क्लियर अच्छा वन फोर देखो सात दो नौ एक दस छह तीन नौ दस पांच चार नौ रे एक दस तो ये तीन केस तो डेफिनेटली मेरे पास ट्रू हो गए ठीक है अच्छा क्या मैं इनकी वैल्यू को दो पुट कर सकता हूं अगर मैंने पी को दो पुट किया चलो कलर चेंज करते हैं भाई जरा देखते हैं एक बार अगर मैंने पी की वैल्यू को दो पुट किया इसको तीन पुट कर सकता हूं दो तो तीन पांच पांच दस कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूँ क्या इसके बाद मैं कोई वैल्यू पुट कर सकता हूं ठीक than, आर। और इसका है मुझे दस इसको मैंने तीन पुट किया इसको मैं क्या पुट करूंगा फिर तीन पुट करूंगा बराबर तो हो ही नहीं सकते क्या पुट करोगे चार पुट करोगे चार के बाद तीन दस तो ये इसके बाद कोई भी केस मेरा पॉसिबल नहीं है क्लियर तो जब मैं बात करूंगा दस सम करने की तो मेरे पास मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये चार ऑप्शन मेरे पास सही बैठते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट मैं देखूंगा अब मेरे पास जब सम होना चाहिए बीस क्लियर सम मेरे को कितना चाहिए ध्यान रखो छोटी छोटी बातें हैं बट ये बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन मतलब ऐसे थे कि पेपर में थोड़े टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कुछ आता ही नहीं बट अगर सोच के किया जाता ना तो अच्छे से क्वेश्चन थे चलो अब देखो पी प्लस के हो प्लस आर हमें चाहिए ट्वेंटी और कंडीशन क्या है पी लेस देन, क्या लेस देन आर. ये मेरे पास दो तीन वैल्यूज हैं देखो जी बात इस तरह सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं टू पुट करता हूं तो 18 चाहिए 18 कैसे आएगा दस आठ दो नंबर का तो कोई चाहिए नहीं तो दो मैं कहीं भी पुट नहीं कर सकता मुझे क्या चाहिए तो सबसे पहली वैल्यू मुझे सबसे पहली वैल्यू चाहिए तीन करके देखना पड़ेगा ऐसे हाथ चलाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में अगर मैंने इसे तीन पुट किया सत्रह चाहिए आठ पुट कर दू नौ पुट कर दू ट्वेंटी आगे अच्छा चार पुट कर सकते हैं चार पुट अगर करूं तो मुझे सोलह चाहिए चार सात नौ चल बड़ी बात अच्छा पांच पुट कर सकता हूं अगर मैं इसको पांच पुट करूं पी को तो पंद्रह चाहिए सात आठ ये भी चल पड़ी अगर मैं छह पुट करूं इसे पांच के बाद अगर मैं छह पुट करने में गया चौदह चाहिए फिर नहीं होगा तो तीन तीन आठ चार नो चार सात नौ और पांच छ नौ उस पांच छ नौ भी दो सकती है कि वैल्यू तीन आठ नो ठीक है चार सात नौ भी ठीक है पांच छे नौ भी दो सकती है अगर मैं उसको पांच ये भी तो एक वैल्यू पॉसिबल है यह भी तो एक वैल्यू पॉसिबल है मेरे पास तो ये चार यहां से मुझे मिल रही है वैल्यू चलिए एक बार दोबारा चेक कर लेंगे सम देखो हो रहा है सारा कुछ तीन बट क्या मेरे पास ये कंडीशन हो रही है क्यों कभी आर से छोटा तो नहीं है है बड़ा बड़ा है बड़ा, बड़ा पी लेस देन क्यों लेस देन आर आठ नौ सत्रह तीन नौ सात सोलह चार बीस आठ सात पंद्रह पांच बीस नौ छः पंद्रह पांच बीस ठीक है बन रही है वैल्यूज मेरे पास बिल्कुल क्या इसको छोड़ के वैल्यू बन रही है तो दीज आर द मैक्सिमम केसेस तो अब मुझे क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन इज सेइंग पी की पांच देखो पी पे आ जाओ जरा एक वैल्यू होगी दो वैल्यू होगी तीन चार पांच यस ये तो बिल्कुल सही है रिस्पेक्टिवली क्यों के लिए भी चेक कर लें क्यों की छह बोला हैं एक, दो तीन रिपीट होगी तीन चार पांच एंड यस तो बोथ टू ऑप्शन नंबर राइट आंसर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बट अच्छा था चलिए बट इसमें क्वेश्चन था मतलब चार डिजिट का कोई नंबर है और वो लेड और मिलकर बने तो डेफिनेटली इस पोजीशन पे पहले वन ये फिक्स रहेगा ठीक है दो आ सकता है तीन आ सकता है चार आ सकता है अच्छा वन टू फोर थ्री हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अच्छा वन थ्री टू फोर हो सकता है वन थ्री फोर टू हो सकता है बिल्कुल हो सकता है वन फोर टू थ्री हो सकता है वन फोर थ्री टू हो सकता है यही पॉसिबल वैल्यूज बन सकते हैं और कुछ नहीं वर्ड बन सकता है इसमें कितना हो गया देखो ये एंड का तो सबका ही आठ है चार सात चार ग्यारह तेरह पाँच अठारह आठ एक ये भी इतना ही बनेगा आठ एक नौ बनना चाहिए चार तीन सात एक आठ दस चार चौदह सोलह सत्रह उन्नीस नौ एक दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह पंद्रह क्वेश्चन चलिए बट इज द रिमाइंडर टू रेस्वाइन टू इज डिड बायर या रिमाइंडर बताना बेसिकली बताना आपने देखो टू रेस टू पावर वन नाइन्टी टू डिड बाई कितना है मेरे पास सिक्स है इसको अगर मैं ऐसा लिखूं सिक्स माइनस ऑफ फोर रेस टू पावर वन नाइन्टी टू डिड बाय सिक्स चलेगा कितना आ गया माइनस फोर की पावर वन नाइन्टी टू डिड बाय सिक्स माइनस की पावर एक इवन नंबर तो पॉजिटिव हो गया ये कितना बचा फोर एक्स पॉवर वन नाइनटी टू डिड बाय सिक्स बस ये देखते ही आपको ना फोर लगा देना चाहिए था आंसर रीज़न देखो मैं बता देता हूँ आपको अगर आप चार को छः से भाग दो कितना आएगा आपके पास प्लस चार चार का स्केयर करो सोलह बटा छः कितना आएगा प्लस चार चार का क्यूब करो सिक्सटी फोर बाय सिक्स कितना आएगा प्लस चार नेक्स्ट कितना आएगा चार की पावर चार करो टू फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स एज मच छः चौका चौबी छो नहीं पाला प्लस चार तो जब भी आप चार को छः से डिवाइड करने जाओगे ना किसी भी पावर में तो आंसर आपके पास क्या आता है सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर आपका डी चार होपफुली ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे ठीक है तो इजी कीजिए और प्लीज 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 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी मत छोड़िए हमेशा जब भी आप एग्जाम देने जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाइए ये आपको बहुत कुछ बताएंगे थैंक यू